नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रघुवंशी समाज द्वारा आयोजित 2121 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ, जो भगवान श्रीराम जी की जन्मभूमि अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में बड़ी छावनी रामलला पथ पर आयोजित हो रहा है। इसी बीच पूज्य यज्ञाचार्य श्री प्रेम नारायण शास्त्री प्रेमाचार्य जी द्वारा आज यज्ञ आहुतियों के समय भोपाल के यज्ञ यजमान बलवंत सिंह रघुवंशी सरस्वती रघुवंशी को आशीर्वाद दिया। आज सातवें दिन भी सभी 2121 कुंडों पर बैठे यजमानों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा उत्साह से उमंग से आहुतियां देकर उच्च स्वर की लहरियों के साथ आहुतियां दी। जोरदार जय सियाराम के नारे लगाए गए। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। चारों तरफ सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही लोग दिख रहे हैं। रघुकुल वंशजों द्वारा अपने ही नहीं बल्कि जगत के आधार प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्थापना के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में यह विराट महायज्ञ आयोजित कर विश्व में ख्याति अर्जित की है। इस विराट महायज्ञ के लिए साकेत वासी पूज्य बिहारी दास जी महाराज ने जो संकल्प था कि भगवान श्री राम जी की जब स्थापना होगी, रघुकुल वंशज 10 फरवरी 2024 से 9 दिवसीय 9009 कुंड का महायज्ञ उनके श्री चरणों में आयोजित करेंगे, जबकि उस समय स्थापना की तिथि घोषित भी नहीं हुई थी। ये हमारे रघुवंशी संत पूज्य गुरुदेव कनक बिहारी दास जी महाराज की दूरदृष्टि ही थी, और आज समस्त रघुवंशी समाज ने गुरुदेव के साकेत वासी होने के बाद भी उनके संकल्प को पूरा करने हेतु 9009 कुंड की जगह 2121 कुंड का यज्ञ आयोजित कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर रघुकुल रीति सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन ना जाए कि इस वचन निभाने की परंपरा को कायम रखा है। जब 18 फरवरी को पूर्णाहुति होगी तो यज्ञ समिति ने श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या धाम के सभी मंदिरों मठों आश्रमों के पूज्य संतों महात्माओं को भंडारा प्रसादी ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया है। रघुकुल वंशजों द्वारा आयोजित यज्ञ में पूज्य संतों महात्माओं ने अपनी सहमति देकर हमारे आयोजन समिति को मान दिया, आशीर्वाद प्रदान किया है। उक्त जानकारी देते हुए भोपाल के यज्ञ यजमान बलवंत सिंह रघुवंशी और गंज बासौंडा के देवेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि यज्ञ आयोजक पूज्य श्याम दास जी, रामकिशोर दास जी, लेखन राम जी, पटेल बाबा, लाल बाबा, यज्ञ आचार्य डॉक्टर प्रेम नारायण शास्त्री प्रमाचार्य जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष निरंजन चौधरी, मुख्य यजमान श्री मुनिराज पटेल, चक्रपाल सिंह, नारायण सिंह नगदे, जीवन सिंह चांद, डॉक्टर राम नरेश रघुवंशी, तुलसीराम इंदौर, मोहन सिंह भोपाल, राजकुमार कोड़िया, घनश्याम सिंह गुना, नरेंद्र सिंह गुना, करण सिंह रघुवंशी सीहोर, हरीश रघुवंशी धार, चंद्रभान सिंह संदीप छिंदवाड़ा, सुरेश कुमार रघुवंशी भोपाल, गोपाल सिंह, शिव कुमार, राजेंद्र सिंह गुड्डा करेली नरसिंहपुर, कैलाश हरी सिंह, रघुनाथ सिंह हीरालाल रघुवंशी विदिशा, राजेश विलास रघुवंशी नदूरवार महाराष्ट्र, निर्भय सिंह, दिलीप सिंह बैतूल, पीपी सिंह, संतोष सिंह जबलपुर सहित पूरे भारत से रघुवंशी समाज के परिवार यज्ञ में आहुतियां देने हेतु आ रहे हैं। साथ ही अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के आसपास के सत्य सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की मानने वाले हजारों लोग सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक यज्ञ मंडप की परिक्रमा पर रहे हैं। भीषण सर्दी रिमझिम बारिश से विचलित हुए बिना धर्म की आस्था के सैलाब को देखते ही बनता है। अद्भुत उत्साह उमंग उल्लास चारों ओर है। राम जी जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, 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 जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।